नमस्कार आप लाइव बिहार देख रहे हैं मेहू मोहन तिवारी बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार आगमन होने वाला है हालांकि उनके बिहार आने से पहले ही यहां पर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला आरजेडी के नेताओं ने तो खुलकर उनका विरोध किया और विरोध करने के चक्कर में कई विवादित बयान भी दे दिए मंत्री सुरेंद्र यादव उन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं पर गंदी टिप्पणी की वो किसी से छिपा हुआ नहीं है लेकिन बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर नौबतपुर में तैयारी खूब चल रही है और महिलाओं ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का प्रण ले लिया है शायद इसीलिए आज नौबतपुर में जो तरेत पाली मठ है कार्यक्रम जहां होना है वहां से हजारों की संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से महिलाओं की एक बड़ी भीड़ आपको नज़र आएगी ये कलश यात्रा कार्यक्रम से एक दिन पहले यानी कि बाबा बागेश्वर के पटना आने से एक दिन पहले शुक्रवार को आज महिलाओं के तरफ से रखी गई है और इस कलश यात्रा में जिस प्रकार से बड़ी संख्या में महिला जुटी हुई हैं वो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उत्साह जो है वो भक्तों के अंदर देखने को मिल रहा है ये कलश यात्रा नौबतपुर प्रखंड के मोतीपुर गांव से गंगा जाल भर कर जो कथा स्थल है और पाली मठ है वहाँ पर ये लोग रवाना हुए भक्ति गीतों पर झूमते नाचते श्रद्धालु उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए दिखाई दिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जय श्री राम और बाबा बागेश्वर धाम के नारा लगा रहे हैं और आपको बताएं कि इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार की सुबह यानी कि कल तेरह मई को पटना पहुंच रहे हैं उनका तेरह मई से सत्रह मई तक पटना के तरेत पाली मठ में कार्यक्रम है हालांकि बाबा बागेश्वर के आगमन की खबर जैसे ही तेज प्रताप यादव को मिली उन्होंने डीएसएस आर्मी एक तैयार कर ली धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ जो कि लठ लेकर परेड भी कर चुकी है ताकि बाबा बागेश्वर को पटना एयरपोर्ट पर ही रोका जा सके वहीं दूसरी तरफ सवर्ण सेना बाबा बागेश्वर के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है इसके साथ ही धीरेंद्र शास्त्री के आगमन को लेकर बिहार में भी बयानबाजियों का दौर चल रहा है बीजेपी नेता ये चैलेंज देते फिर रहे हैं कि दम है तो बाबा को अरेस्ट करके दिखाएं तो बिहार में बाबा बागेश्वर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तो खूब देखने को मिल रही है एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ बीजेपी एक तरफ तेज प्रताप यादव दूसरी तरफ सवर्ण सेना आमने सामने जैसा माहौल बना हुआ है लेकिन इन सब के बीच आज महिलाओं की एक बड़ी भीड़ ने वहाँ पर जहाँ पर कार्यक्रम होना है एक कलश यात्रा निकाली हज़ारों की संख्या में वो जुटी हुई थी और कल बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम पटना में शुरू हो जाएगा तेरह से सत्रह मई तक वो लगेगा बाबा दरबार लगाएंगे पर्चा भी निकालेंगे लेकिन उससे पहले देखना होगा कि कल जब वो पहुँचते हैं पटना एयरपोर्ट तो क्या माहौल बनता है क्योंकि तेज प्रताप यादव की जो डी आर्मी है वो लठ लेकर तैयार है बाबा को एयरपोर्ट पर ही रोकने के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें